teacher. अब हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस किस तरह से चेंज करते हैं. रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स. पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स को किस तरह से चेंज करते हैं. द पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इस तरह से. रूल नंबर वन, इन द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच द प्रोनाउन और प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन फॉलोज द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और जो पर्सन है जिसके लिए वो प्रोनाउंस रेफर किए जाते हैं उस पर्सन के नंबर और जेंडर के हिसाब से हम पजेसिव एडजेक्टिव्स को चेंज करते हैं. एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट आई सेड टू यू कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा आई लाइक द बुक फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट. इनडायरेक्ट स्पीच आई टोल्ड यू दैट आई लाइक द बुक. अब यू सेकंड पर्सन है इसलिए यहां पे भी वही आदमी को बता रहा है इसलिए यू को यू ही रखा चेंज नहीं किया है हमने. सेकंड एग्जांपल यू सेड कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा आई हैव वेस्टेड योर टाइम फुल स्टॉप डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट. आंसर कैसा होगा यू सेड दैट यू हैड वेस्टेड माय टाइम. अब ये माय क्यों यूज किया. अब वो जो यूर है वो यूर आप भी हो सकते हैं हो सकता है दूसरा पर्सन हो सकता है वो एज्यूम करना पड़ता है कि यू ने योर टाइम किसको बोला तो इसलिए हमने सोचा कि वो मेरा टाइम है इसलिए माय लगाया हुआ है. आप उसमें हीज लगा सकते हैं देयर लगा सकते हैं इस तरह से. थर्ड ही सेड कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा आई डू नॉट लव हर फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट. इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट He did not love her. अब स्पीकर ही है बोलने वाला भी ही है इसलिए आई को ही के नंबर और जेंडर के हिसाब से चेंज किया. फोर्थ नंबर दे सेड कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा वी बिलीव इन फेयर डीलिंग्स फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट. इनडायरेक्ट स्पीच में दे सेड दैट दे बिलीव्ड इन फेयर डीलिंग्स. रूल नंबर टू इन द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच द प्रोनाउन या प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स ऑफ द सेकंड पर्सन फॉलोज द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. एग्जांपल वन किस तरह से चेंज होगा यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा उसके हिसाब से. एग्जांपल वन आई सेड टू यू कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा यू विल पास. इनडायरेक्ट स्पीच में आई टोल्ड यू दैट यू वुड पास. अब स्पीकर भी आ है और किसको बोल रहा है सेकंड पर्सन को बोल रहा है यू इसलिए यू सेकंड पर्सन है और एड्रेस भी सेकंड पर्सन को कर रहा है इसलिए यू का यू रखा हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल यू सेड टू मी कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा यू मे गो फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट. उसने मुझे बोला यू. अब देखेंगे यू का क्या चेंज होता है. यू टोल्ड मी दैट आई माइट गो. अब रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच जो है इनवर्टेड कॉमा का वहां पे यू लिखा हुआ है तो यू यानी उसने मुझे बोला यू इसलिए यू का हमने आई में कन्वर्ट किया. थर्ड ही सेड टू यू कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा यू विल विन. इसमें बोलने वाला ही है लेकिन किसके साथ बात कर रहा है यू के साथ में. अब यहां पे प्रोनाउन है यू वो चेंज नहीं होगा या ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा. इसका आंसर देंगे ही टोल्ड यू दैट यू वुड विन. फोर्थ ही सेड टू अस कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा यू नीड नॉट वरी. बराबर है. अब यहां पे उसने हमें बोला है तो वो यू
हमारे हिसाब से चेंज होगा, मतलब अस जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज होगा. आंसर, ही टोल्ड अस दैट वी नीड नॉट वरी. अब अस ऑब्जेक्टिव है तो उसका सब्जेक्ट होता है वी, इसलिए सेंटेंस में वी नीड नॉट वरी इस तरह से किया है. रूल नंबर 3, इन द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच अ प्रोनाउन और प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स ऑफ द थर्ड पर्सन रिमेन्स द सेम, डज नॉट चेंज. एज अ प्रोनाउन इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन एंड ऑल नाउन्स आर इन द थर्ड पर्सन. मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस है या पजेसिव एडजेक्टिव्स है उसे चेंज नहीं करते. एग्जाम्पल 1, ही सेड कॉमा इंटू इनवर्टेड कॉमा ही इज लर्निंग हिज लेसन फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट. इनडायरेक्ट स्पीच में ही जो है प्रोनाउन वो एज इट इज होगा. आंसर, आई सेड दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन. सेकेंड, यू सेड टू मी कॉमा इंटू इनवर्टेड कॉमा He was naughty. Full stop. Inverted comma complete. Indirect speech. You told me that he had been naughty. Simple past tense ka, past continuous tense ka, past perfect continuous tense hota hai. Isliye helping verb was diya hua hai. Aur indirect speech mein humne had been use kiya. Third, Nina said to me, comma into inverted comma, they must not go there. स्टॉप डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट. इनडायरेक्ट स्पीच में नीना टोल्ड मी दैट दे मस्ट नॉट गो देयर.